कहानी की शुरुआत 2050 से होती है, जहां पर एक कंपनी जो टेक्नोलॉजी के मामले में काफी आगे निकल चुकी थी। कंपनी वालों ने तो बहुत सारे एडवांस रोबोट तैयार किए थे जो शहर में घूमकर सभी की सुरक्षा करेंगे। इसीलिए कंपनी वाले अपने रोबोट्स की टेस्टिंग करने के लिए एक जगह पर उन्हें छोड़ देते हैं, और अगर उनका ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया तब वो अपने सारे एडवांस रोबोट काफी ज्यादा कीमत में बाकी देशों को बेच सकते थे। यहाँ सारे टाइप के रोबोट उस जगह पर फैलकर अपनी स्कैनिंग करते रहते हैं, लेकिन अब उस जगह पर वो सारे लोग भी आ चुके थे जो रोबोट से नफरत करते हैं। उन सभी को तो ऐसा लगता था कि रोबोट की वजह से इंसान खत्म हो जाएंगे, इसीलिए विरोधी टीम के सारे लोग वेपन्स की मदद से रोबोट्स पर हमला करने लग जाते हैं। चारों तरफ देखते ही देखते हंगामा हो गया था। उन रोबोट्स को इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि अगर उनके ऊपर खतरा मंडराएगा तब वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हमला कर सकते हैं। इसीलिए अब उन सारे रोबोट्स ने उनके ऊपर हमला करने वाले आदमियों को मारना ही स्टार्ट कर दिया था। साथ ही साथ जिस भी आदमी के हाथ में वेपन्स दिख रहे थे वो तो उन्हें डायरेक्टली शूट कर देते हैं। इस भागा दौड़ी में बहुत सारे मासूम इंसान भी मारे गए थे, क्योंकि वो सारी रोबोट्स बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जा रहे थे कि नॉर्मल आदमी कौन है और टेररिस्ट कौन है। जब ये खबर न्यूज में आई तो कंपनी के शेयर्स काफी नीचे गिर गए थे। अब तो कोई भी कंपनी के बनाए गए रोबोट्स पर भरोसा ही नहीं कर रहा था। देखने पर ऐसा लग रहा था कि वो कंपनी जल्द से जल्द बंद हो जाएगी। इन सारी चीजों की वजह से उस कंपनी का दूसरे देशों के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल हो चुका था। इसीलिए अब कंपनी के ओनर्स ने ये डिसाइड किया कि वो ये सारे रोबोट्स बनाना बंद कर देंगे। पर कुछ ही दिनों बाद ही उन सभी के पास एक नया प्रोजेक्ट आ गया था। दरअसल उन सभी ने मिलकर ये डिसाइड किया होता है कि रोबोट बनाने से अच्छा वो ह्यूमंस के बॉडी में ही रोबोटिक पार्ट डालकर उसे ह्यूमेनॉइड बना दें, जिससे कि एंड में जब हमारा रोबोट तैयार होगा तब उसके अंदर इंसानों जैसे सोचने की क्षमता होगी। इसीलिए अब अपने एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाने के लिए वो सारे लोग उन पेशेंट को ढूंढने लग जाते हैं जिनके बॉडी के अंदर वो अपने रोबोटिक डिवाइसेस इंक्लूड कर सकें। अब हमें दूसरी तरफ मर्फी नाम का एक पुलिस ऑफिसर दिखाया जाता है जो अपने बेटे और अपनी ब्यूटीफुल वाइफ के साथ रहा करता था, पर अब मर्फी की पूरी जिंदगी बदलने वाली थी इस बात का उसे जरा भी अंदाजा ही नहीं होता। मर्फी अपने जॉब के प्रति बहुत ही ज्यादा लॉयल था, इसी वजह से मर्फी के बहुत सारे दुश्मन भी बन चुके थे। एक दिन जब मर्फी अपने कार में बैठकर बाहर जा रहा होता है तभी उसकी कार अचानक से ब्लास्ट हो गई थी, जिसमें मर्फी को बहुत ही ज्यादा चोट आती है। जब उसे सही समय पर हॉस्पिटल में एडमिट किया गया तब उसकी जान तो बच चुकी थी, लेकिन मर्फी की पूरी बॉडी डैमेज हो चुकी होती है। जब मर्फी के केस के बारे में उस एडवांस कंपनी के सीईओ को पता चली तब उसे मर्फी अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एकदम राइट कंटेस्टेंट लग रहा था। कंपनी का सीईओ जिसका नाम टाइसन होता है वो मर्फी की वाइफ से मिलकर उससे सारी बातें कर रहा था। टाइसन ने कहा कि अब मर्फी पूरी तरीके से ठीक नहीं हो सकता, लेकिन अगर वो हमारे एक्सपेरिमेंट में शामिल हो जाए तब वो उसे एक रोबोटिक शरीर प्रोवाइड कर देंगे जिससे कि मर्फी अपने मन मुताबिक चल फिर पाएगा। अपने हस्बैंड को बचाने के लिए मर्फी की वाइफ इस बात के लिए राजी हो जाती है, और अब बिना देरी किए टाइसन के कंपनी वालों ने मर्फी के बॉडी पर एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट भी कर दिया था। कई दिनों के लगातार हार्ड वर्क के बाद मर्फी की पूरी बॉडी एक रोबोटिक बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है। मर्फी को जब होश में लाया गया तब वो अपनी नई बॉडी को देखकर एकदम शॉक ही रह गया था। शुरुआत में तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है क्योंकि उसे इस तरीके की बॉडी नहीं चाहिए थी। तब जाकर टाइसन और उसकी कंपनी के एम्प्लॉई मर्फी को बताते हैं कि धमाके के अंदर उसकी पूरी बॉडी डैमेज हो चुकी थी। मर्फी का सिर्फ सर, दिल और फेफड़े ही बचे होते हैं, और अगर वो सब ये एक्सपेरिमेंट नहीं करते तब वो एक जिंदा लाश बनकर रह जाता। मर्फी भी अपने सिचुएशन को समझकर एकदम नॉर्मल बिहेव करने लग गया था। इसके बाद कंपनी वालों ने मर्फी को थोड़ी सी ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया होता है। मर्फी तो अपने नए रोबोटिक बॉडी को धीरे धीरे कंट्रोल करना सीख रहा था। शुरुआत में तो उसे बहुत ही ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, पर कुछ ही महीनों में मर्फी ने अपने रोबोटिक बॉडी को कंट्रोल करना सीख लिया था। मर्फी ओवरऑल काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, और अब एक फाइनल टेस्ट करने के लिए मर्फी को एक मिशन दिया गया था जिसके अंदर मर्फी को रियल लाइफ में बहुत सारे अपोनेंट्स का सामना करना पड़ता है। मर्फी अपने रोबोटिक बॉडी की वजह से बहुत ही ज्यादा फुर्तीला और ताकतवर हो गया था, जिससे कि वो अपने सारे विरोधियों को जान से मारे बिना हरा देता है। अब मर्फी की सारी ट्रेनिंग्स खत्म हो चुकी थी, इसीलिए अब उसे कई दिनों बाद अपने फैमिली वालों के पास भेज दिया जाता है। मर्फी तो अपनी वाइफ और अपने बेटे से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश हो चुका था। हालांकि मर्फी का बेटा उसे अच्छे से पहचान नहीं पा रहा होता, लेकिन मर्फी को अभी इस बात की खुशी थी कि उसकी फैमिली अभी भी उसके साथ है। अब मर्फी वापस टाइसन के कंपनी में काम करने आ जाता है। अब टाइसन ने ये डिसाइड किया कि वो जनता के सामने मर्फी को पेश करेंगे जिससे कि उनके कंपनी के शेयर्स और भी ज्यादा बढ़ जाएं।
अगले दिन सारी न्यूज रिपोर्टर्स और सारी जनता वेट कर रही थी मर्फी के आने का। यहाँ कंपनी वाले मर्फी के दिमाग में सारी फाइल्स इंसर्ट करते रहते हैं जिसमें शहर के क्रिमिनल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन लिखी थी। लेकिन उन इन्फॉर्मेशन में एक वो भी मोमेंट होता है जब मर्फी का कार ब्लास्ट हुआ था। तभी मर्फी उस सीन को देखकर एकदम से भावुक होने लगता है। उसका दिमाग तो कुछ टाइम तक काम करना एकदम से बंद कर दिया था। साथ ही साथ उसे लगातार झटके लग रहे होते हैं। सभी वैज्ञानिक इस बात से बहुत ही ज्यादा घबरा गए थे, इसीलिए उन्होंने मिलकर ये डिसाइड किया कि वो मर्फी के सारे ह्यूमन इमोशंस खत्म कर देंगे। कुछ ही देर में वो सब ऐसा कर भी देते हैं और अब मर्फी के बॉडी में से उसकी सारी इमोशंस और फीलिंग्स चली गई थी। मर्फी तो अब सीधा जनता के सामने अपना इंटरव्यू देने के लिए चला जाता है। रास्ते में मर्फी की वाइफ और उसका बेटा भी मौजूद था, इसीलिए वो उन्हें इग्नोर करता हुआ स्टेज पर चला जाता है। सारे लोग मर्फी को अलग अलग टाइप के सवाल पूछ रहे थे। तभी मर्फी वहाँ पर मौजूद कुछ लोगों को स्कैन करता है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक क्रिमिनल्स थे, इसीलिए अब मर्फी बिना कुछ सोचे समझे उन क्रिमिनल्स को मार गिराता है। सभी को पता था कि वो आदमी एक क्रिमिनल है जिसकी वजह से सारे लोग मर्फी के इस काम की सराहना करने लगे थे। मर्फी तो उन सभी के लिए एक हीरो बन चुका होता है। मर्फी का नाम चेंज करके उसे सम्मानित करते हुए रोबो कॉप रख दिया गया था, क्योंकि अब मर्फी पूरी तरीके से रेडी होता है गवर्नमेंट के लिए काम करने के लिए। मर्फी लगातार अपने बहुत ही ज्यादा एडवांस सिस्टम की मदद से शहर में घूम घूम कर क्रिमिनल्स को पकड़ने लगा था। सिटी के अंदर क्राइम रेट तो एकदम से कम हो जाता है, यानी कि मर्फी ने अपना जलवा बिछाना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ टाइसन ने मर्फी की वाइफ को कुछ भी बताया नहीं होता, और जब मर्फी की वाइफ उसके सामने आकर उसे पुकार रही थी तब मर्फी एकदम अनजान सा बिहेव कर रहा था। इमोशन और फीलिंग ना होने की वजह से मर्फी अपनी वाइफ को पहचान ही नहीं पाता, इसीलिए अब मर्फी तुरंत ही वहाँ से चला गया था। मर्फी ने अब अपनी वाइफ और अपने बेटे के बारे में पता लगाने के लिए अलग अलग सिक्योरिटी कैमरा चेक करना स्टार्ट कर दिया था। अपने बेटे की शक्ल देखने के बाद मर्फी को कुछ फीलिंग्स जागने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी फीलिंग्स वापस आ रही हैं। अपने बेटे को अच्छे से एनालाइज करने के बाद मर्फी को ये पता चलता है कि उसका बेटा बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस और तनाव से भरा हुआ है। मर्फी के बेटे को किसी चीज का डर सता रहा था, इसीलिए वो एकदम मायूस सा रहता है। अब यहाँ मर्फी को सीसीटीवी कैमरा की मदद से ये भी पता चल जाता है कि जब उसके कार में ब्लास्ट हुआ तब ये काम किसने किया था। मर्फी सीधा उस आदमी के पास पहुंच जाता है जिसने बताया कि ये काम उसके बॉस ने किया है। दरअसल वो सारे लोग एक टेररिस्ट थे जो बहुत ही अमीर लोगों के कहने पर अपना काम किया करते थे। मर्फी को पता लगाना था कि इन सारी चीजों के पीछे आखिर कौन है, इसीलिए वो सीधा बॉस को मारने के लिए उसके अड्डे पर चला गया था। वहाँ दूसरी तरफ बॉस और उसके आदमियों को पता चल गया होता है कि रोबो कॉप उन्हें मारने के लिए आ रहा है, इसीलिए बॉस और उसके सारे लोग अपने हथियार लेकर लाइट्स बंद कर देते हैं। पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि मर्फी अपने पावर्स की मदद से अंधेरे में भी देख सकता है। मर्फी ने तो लगातार सारे लोगों को मारना ही स्टार्ट कर दिया था, और अब वो उन सभी के बॉस को भी खत्म कर देता है। यहाँ मर्फी जब उस जगह पर स्कैन करता है तब उसे अपने ही पुलिस डिपार्टमेंट के दो पुलिस ऑफिसर्स के फिंगरप्रिंट्स मिले थे, यानी कि जरूर इन सारी चीजों का उनसे रिलेशन हो सकता है। इसीलिए अब मर्फी निकल पड़ा था उन ऑफिसर्स के बारे में पता लगाने के लिए। मर्फी तो अब उन्हीं ऑफिसर्स के पास पहुंच गया था खत्म करने के लिए। उसने तो एक ऑफिसर को मार दिया होता है, पर अब दूसरे ऑफिसर ने मर्फी को ये बता दिया था कि उनके चीफ ने उन्हें कमांड दिया था। पर अब मर्फी जैसे ही हमला करने के लिए आगे बढ़ा, टाइसन और उसके एम्प्लॉइज ने सीसीटीवी कैमरा देखते हुए मर्फी के सिस्टम को स्विच ऑफ कर दिया था, जिससे कि मर्फी की बॉडी एकदम से बंद हो जाती है। और अब टाइसन की कमेटी ने ये डिसाइड किया कि वो मर्फी को इसी तरीके से बंद रखेंगे, क्योंकि अगर इसी तरीके से मर्फी के मन में फीलिंग जगती रहेंगी तब वो सारी चीजें छोड़कर अपनी फैमिली के पास चले जाएगा। यहाँ पर कई दिन बीत जाते हैं और अब तो लोग आवाज उठाने लगे थे कि उनका सुपर हीरो रोबो कॉप कहाँ पर गया है, क्योंकि रोबो कॉप ने सभी के लिए इतने अच्छे काम किए थे इसीलिए वो सारे लोगों का मसीहा बन गया था। अब टाइसन यहाँ पर सभी जनता से ये झूठ कह देता है कि रोबो कॉप की बॉडी में कुछ खराबी आ गई थी, जिसकी वजह से उन्हें कुछ टाइम के लिए रोबोकॉप को बंद रखना पड़ेगा। इन सारी बातों से टाइसन और उसकी कंपनी को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट मिलता है, और अब टाइसन को परमिशन मिल गई थी कि वो अपने बनाए गए रोबोट्स अलग अलग कंट्री में जाकर बेच सकें, जिससे कि टाइसन की कंपनी को बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। साथ ही साथ टाइसन और उसके लोगों ने ये भी डिसाइड किया कि वो मर्फी को हमेशा के लिए बंद कर देंगे, जिससे कि मर्फी फिर कभी नहीं उठ पाएगा। जब ये सारी बातें एक डॉक्टर को पता चलती हैं जिसने मर्फी का इलाज किया था, तब वो बहुत ही चुपके
तरीके से सीधा मर्फी के पास आकर उसके सिस्टम को ऑन कर देता है। डॉक्टर ने मर्फी को सारी बातें बता दी कि कैसे टाइसन उसे हमेशा के लिए मारना चाहता था, इसीलिए अब मर्फी एकदम गुस्से में निकल पड़ता है टाइसन और उसके लोगों को खत्म करने के लिए। वहाँ टाइसन को भी ये पता चल गया था कि मर्फी आजाद हो चुका है, इसीलिए उसने अपने बिल्डिंग की सिक्योरिटी के लिए सामने बहुत सारे रोबोट्स रख दिए थे। मर्फी जैसे ही बिल्डिंग के पास पहुंचा, वो एडवांस रोबोट्स मर्फी पर हमला करने लग जाते हैं। लेकिन मर्फी भी कम नहीं था, उसने अब तक जितनी भी ट्रेनिंग ली होती है वो उसी का यूज करते हुए सभी रोबोट्स को बीट करता जाता है। मर्फी ने तो बहुत ही ज्यादा बहादुरी से सारे रोबोट्स का खात्मा कर दिया था। इस काम में मर्फी का एक पुराना साथी भी मदद करता है, जिसने विरोधी सोल्जर्स को मारते हुए मर्फी को एकदम टॉप पर जाने के लिए कहा, क्योंकि टाइसन अपने आदमियों के साथ हेलीकॉप्टर की मदद से यहाँ से भागने वाला था। मर्फी तो टॉप पर जाकर टाइसन के सामने खड़ा हो जाता है, पर मर्फी को ये बात पता नहीं थी कि टाइसन के पास वो रिमोट कंट्रोल है जिससे कि वो मर्फी की बॉडी को कंट्रोल कर सकता था, और अब टाइसन जो चाहे वो मर्फी से करा सकता था। मर्फी तो अपनी बॉडी को संभाल ही नहीं पाता। टाइसन ने तो मर्फी की वाइफ और उसके बेटे को भी बंदी बना लिया होता है, और अब वो लगातार मर्फी से ये कह रहा था कि तुम में कभी फीलिंग्स मौजूद ही नहीं थी, तुम अपने रियल लाइफ में भी रिलेशनशिप को अच्छे से निभा नहीं पाए, और अब जो मैं चाहूंगा वही होगा। ये सारी बातें सुनने के बाद मर्फी एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, और अब धीरे धीरे उसे अपनी बॉडी पर कंट्रोल आने लगा था, मानो कि मर्फी को अपनी फीलिंग्स वापस आने लगी हों। और अब थोड़ी देर बाद ही टाइसन का वो रिमोट कंट्रोल मर्फी को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। मर्फी अब पूरी तरीके से आजाद होता है, इसीलिए अब मर्फी ने बिना टाइम वेस्ट किए टाइसन के ऊपर गोली चलाकर उसे हमेशा के लिए मार दिया था। टाइसन के बारे में ये सारी बातें जनता को पता चल गई थी, इसीलिए उसकी रोबोटिक कंपनी भी बंद कर दी जाती है। मर्फी तो पूरी तरीके से आजाद था अपनी फैमिली के साथ आने वाली लाइफ को जीने के लिए। और इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।